व्हाई डिड टोनी मेक वेट? वो भी दो हफ्ते आपको मैच से पहले, जो मई 9th को होने वाला है UFC 249, जो पहले 18 अप्रैल को होने वाला था, और उसके बाद से फिर फाइट आइलैंड में होने वाला था, उसके बाद से खबीब वर्सेस टोनी था, और उसके बाद से फिर खबीब वर्सेस गेची हो गया, और उसके बाद से कॉर्नर गेची के साथ मैच नहीं खेलना चाहता है, पोरिये फिर गेची के साथ मैच खेलना चाहता था लेकिन फिर उसका डैन हुकर के साथ मैच हो गया. इट्स लाइक केओस. ये सब दिमाग में मेरे चलने लगता है जब मैं सोचने लगता हूँ 249 UFC के बारे में. लेकिन वाई डिड टोनी मेक वेट दो हफ्ते पहले मैच के? ठीक है, क्योंकि उसको एक बार फिर से करना होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जैसे कि हमेशा एक रात पहले उतना वेट करना रहता है जिस वेट में आप मैच खेल रहे हैं और उसके बाद से अगले दिन उसका मैच होता है. जैसे UFC में फ्राइडे को वेट इन होता है, ऑफिशियल वेट इन, और उसके बाद से सैटरडे को वेट, ऐसे ऑफिशियल वेट इन होता है थर्सडे नाइट को, और उसके बाद से यूट्यूब पे जो वीडियो आता है वो इस तरीके, मतलब थोड़ा गिमिक टाइप का होता है, वो होता नहीं है, वो एक दिन पहले ऐसे फ्राइडे को दिखा दिया जाता है, अपलोड होता है यूट्यूब पे. तो वो सब बात छोड़िए. आप मैं इट्स लाइक मैं दिमाग मतलब मैं सोच रहा था कि टोनी ने दो हफ्ते पहले क्यों वेट किया अपने को 155, और क्योंकि उसने पहला बात की कोरोना वायरस अभी है और उसके बाद से मैच नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आपको अभी भी उसका वेन्यू पता नहीं है कि मई 9th को भी कहाँ होगा, और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था कि क्या पता गेची और टोनी का मैच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि खबीब टोनी का मैच नहीं हो पाया. लेकिन इट्स लाइक आई थिंक पहला बात कि वेट इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है. अगर हम लोग सबको जानते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा वेट कटिंग इट्स लाइक अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि आप नॉर्मली पर्सन को देखिएगा, नॉर्मली फाइटर को देखिएगा, अगर 155 खेल रहा है तो वो 200 पाउंड्स का घूमता होगा, और उसके बाद से फिर एक हफ्ते अपने को बहुत ज़्यादा डिप्राइव करके, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खा के, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको डिहाइड्रेट करके 155 बना लेगा, और उसके बाद से फिर एक रात दो दिन मतलब अच्छे से खाकर थोड़ा हेल्दी महसूस करने के लिए थोड़ा अच्छा रिहाइड्रेट करके मैच खेलेगा. इट्स लाइक अ वेरी, वी नो लाइक वेट कटिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग, और बहुत ज़्यादा वो क्लीशे है बहुत बड़ा, लेकिन जो है वो है. ठीक है, तो आप देखिएगा कि, और वो हमेशा आसानी से फाइटर्स को बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, क्योंकि ये पहला बहुत दिन से ये चला रहा है कि वेटिंग होगा और उसके बाद से मैच होगा और कटिंग का प्रोसेस है, तो इस वजह से फाइटर्स को आदत हो गई है. और फास्टिंग करना, अपने को डिहाइड्रेट करना, ये बहुत ज़्यादा ईजी है फिजिकली, मेंटली ये बहुत ज़्यादा टफ है. अगर आप फास्टिंग कीजिएगा, कितना आसान है फास्टिंग करना, कितना आसान है फास्टिंग करना. आपको क्या करना होता है फास्टिंग में? कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पहना है, और आराम से आप जो करना है आप कीजिए, आप बैठे रहिए, आप लेटे रहिए, आप मूवी देखते रहिए. इट्स लाइक अ वेरी इजी थिंग. लेकिन बहुत लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इट्स अ मेंटल थिंग. आप अपनी रूटीन से हट जाते हैं. आप सुबह उठे, कॉफ़ी पिया, आपने खाना खाया या ब्रेकफास्ट जो कहिए आप, उसके बाद से फिर दोपहर हुआ, आपको आपने दोपहर का खाना खाया, शाम हुआ कुछ स्नैक्स लिया, रात हुआ कुछ खाना खाया. इट्स लाइक अ रूटीन. लेकिन रूटीन से हटने के लिए, हैबिट से हटने के लिए आदमी को मेंटली टफ होना पड़ता है, और ये चीज़ को प्रूव करने के लिए ही टोनी फर्गसन ने इस वेटिंग को फाइट से दो हफ्ते पहले अब वेटिंग किया, क्योंकि उसको फिर से करना ही होगा. और डस्टिन गेची को एक तरीके से उसने एरो मार दिया, मतलब उसने एक तरीके से दिखा दिया कि ही इज गोइंग टू बी लाइक अ मेंटल फ्रीक इन दैट मैच. और जैसे कि कार्डियो टोनी फर्गसन का इतना ज़बरदस्त है, गेची का भी कार्डियो उतना, मतलब कभी हम लोगों ने 5 राउंड फाइट देखा नहीं है गेची का, लेकिन तभी अगर वो UFC में है तो 3 राउंड तक तो उसका कार्डियो सस्टेन कर पाएगा, लेकिन 4-5 राउंड कभी हम लोगों ने देखा नहीं है. तो मे बी अगर इस बार देखेंगे तो टोनी फर्गसन को ही वो सपोर्ट करेगा. अगर अभी आप सोचिएगा कि कार्डियो कौन सस्टेन कर पाएगा, टोनी फर्गसन मेंटली कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, टोनी फर्गसन, ये वाला जो सवाल है कि कौन मेंटली स्ट्रांग है, ये बहुत सारे लोग डस्टिन गेची भी गोल बोल रहे थे, क्योंकि वो इट्स लाइक अ वेरी बहुत ज़बरदस्त आदमी है और जो बात है वो कह देता है, उतना ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करता है, और टोनी फर्गसन इधर उधर की बात करता है. लेकिन मेंटली टफनेस की जब बात आ जाती है तो कोई आदमी बोल रहा था टोनी है, कोई आदमी बोल रहा था गेची है. लेकिन इस बार मतलब मैच के दो हफ्ते पहले वेट इन करके टोनी फर्गसन ने बता दिया मेंटली टफ कौन है, टोनी फर्गसन.